एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी कि नेक्स्ट जो सिचुएशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो केस है कोर्ट में पड़ा हुआ उसका एनालिसिस कर दीजिए। एनालिसिस में सबसे पहले अगर देखना है तो जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जगतार सिंह सिद्धू जो आपके एडवोकेट हैं एक पार्टी के, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसको देख लें। फर्स्ट तो उन्होंने ये कहा है कि ये सभी को पता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 13 जैन की डेट पड़ चुकी है। लेकिन आगे जो कहा है, द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल रिप्लाई इन ऑल केसेस। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कि इधर आ गए ये केस, ये पर्सपेक्टिव, एक पार्टी आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं। ये देखिए जब ऑल इतना सा शब्द है ना, ये हमें बहुत जल्दी पड़ी है ये ऑल। जो अब कोर्ट है उन्होंने ऑल कहा है, इट मींस इनका भी जो इन्फॉर्मेशन देनी है उत्तर देना है, इनका भी रिप्लाई करना है, इनका भी रिप्लाई करना है, इतने इनका 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 सभी का रिप्लाई करना है। इट मींस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है, यहां हम पेशेंस खो बैठते हैं। तो आगे लिखा है, सो दैट फाइनल आर्गुमेंट्स मे बी हर्ड ऑन द फिक्स डेट इफ द रिप्लाई इज फाइल्ड इन ऑल द केसेस देन फाइनल आर्गुमेंट शैल बी हर्ड ऑन 13 जैन बट इफ द रिप्लाई इज नॉट फाइल्ड देन द हियरिंग शैल बी एडजॉर्न्ड, फिर पोस्टपोन हो सकता है। अगर पोस्टपोन होता है उसका कारण यही है जो मैंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अब पॉजिटिव क्या है इसमें देख सकते हो कि अगर आपकी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव अब हैं, अगर इनकी जगह कोई और होता तो ये जो इतनी सी डेट है 6 जैन से लेके अब 13 डेट पड़ी है, ठीक है, तो ये मजे से ये डेट जो बहुत ज्यादा होनी थी बहुत लंबा जाना था। That is why ये पॉजिटिव है कि जो कोशिश है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से ये प्रेशर है कि ये इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है इतने दिनों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अगर नहीं की जाती तो फिर भी निराश होने की बात नहीं है क्योंकि नेक्स्ट जल्दी डेट मिलेगी। लेकिन इंफॉर्मेशन के बिना जजेस फैसला कैसे कर सकते हैं, उनका भी उन्होंने भी जजेस ने भी सभी को जवाब देना होता है, सभी के साथ जस्टिस का उन्होंने सोचना है, सिर्फ आपके साथ नहीं सोचना। हमें पड़ी है सिर्फ मेरे केस की लेकिन उनको पड़ी है सभी के केस की, तो दैट इज वो हायर लेवल पर है। तो इतनी पेशेंस हमको रखनी होगी। जो आगे रिस्पांस में भी इन्होंने लिखा है, इफ यू आस्क मी देन आई वुड से दैट देयर इज एवरी लाइकलीहुड ऑफ एडजॉर्नमेंट, पोस्टपोन होने की संभावना ज्यादा है बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज सो लार्ज एंड वैरायटी ऑफ, ठीक, मेनी ऑफ यू आर, भर्ती सिरे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी बार बार उनको पूछा गया है, तो वो कहते कह नहीं सकते, इट मींस 50-50 लेके आप चल सकते हो, ठीक, 50% यस 50% नो। पर एक पॉजिटिव शब्द कितना अच्छा लिखा है, बी पेशेंट एंड होप फॉर द बेस्ट। ये जीने का एक, आगे चलने का एक आसरा होता है, ये आपको साथ में रखना ही होगा। दूसरा इफेक्ट जो है कि जो कोड लग जाएगा, शायद ये वीडियो जब तक अपलोड होगा कोड लग ना चुका हो, मतलब इन दिनों में या 2-4 दिन में कोड ऑफ आवर इलेक्शन लग जाएगा, तो उससे क्या ये प्रोसेस जो है उस पर असर पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ये है कि उस पर असर नहीं पड़ेगा, ये बात हो चुकी है क्योंकि वो कोर्ट के पास जा चुका है केस, अब वो प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, सारा प्रोसीजर रिजेक्ट हो जाता है, तो एक प्रोबेबिलिटी फिर ये भी है कि जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ज्वाइनिंग या स्टेशन मिल चुका है, वो कोर्ट में जाते हैं, हमारे साथ क्या हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, वो भी जा सकते हैं, जहां चलेगी भी गए होंगे। तो इन सभी जो सिचुएशन है इनको सामने रखते हुए ये नहीं हमने कहना कि मतलब निराशावाद नहीं दिखाना, क्योंकि हम हायर एजुकेशन के टीचर हैं, बन चुके हो आप टीचर, जब से आपने अप्लाई किया है आप टीचर अपने आप को मानो। टीचर ने हमेशा ही पॉजिटिव वर्ड यूज करने होते हैं, मेरे पास इतनी
मतलब हजारों एग्जांपल्स हैं कि एक टीचर ने एक क्लास में क्या नेगेटिव वर्ड क्या बोल दिया कि बच्चे के 2 साल खराब हो गए, बच्चे ने जिंदगी खराब कर ली, बच्चा डिप्रेशन में ही जिंदगी जी रहा है, बच्चा नेगेटिव को पॉजिटिव समझ के जिंदगी जी रहा है। दैट इज वाई टीचर ने कभी ऐसा नहीं, निराशावाद नहीं सोचना, ये हमारे लिए कंपल्शन है। बेशक हम ह्यूमन बीइंग है, लेकिन बाकी प्रोफेशन और हमारे प्रोफेशन में फर्क यही है कि हमने पॉजिटिविटी को ही जो है डिस्पेंस करना है, स्प्रेड करना है, फैलाना है। ठीक, तो फिर आसरा कहां से लेंगे? वही मेरे पास तो सुरजीत पात्र साहब की वो गजलें हैं कि जे आई पतचड़ ता फेर की है, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के ले आऊं कित्यों कलमा, जिन्हां नाल वो फुल लाई दे ना गुलाब दे फुल कलम, उसनु क्या गया है, जे आई पतचड़ ता फेर की है, तू अगली रुत च यकीन रखी, मैं लब के ले आऊं कित्यों कलमा, तो फुल्लां जोगी जमीन रखी। पात्र साहब आगे क्या लिखते हैं, हनेरियां दा इलाज की है, ए बुझ के जीना रिवाज की है, बलन बिना ही मिलेगा चानन, ए आस दिल विच कदे ना रखी। सो असी समझते हाँ कि बिना संघर्ष के, बिना वेट के, बिना ये पेशेंस के हमें मंजिल मिल जाएगी, या आप पता है आप किस डेमोक्रेसी में हो, तो ये थोड़ा बलना पड़ेगा अगर मंजिल के पास है। एक लास्ट शेर उनकी ही वो गजल का, बुरे दिना तो डरी ना पात्र, भले दिना नू ले आन खातर, तू सिदक दिल विच ते आस रूह विच, नजर च सुपने हसीन रखी। वो हमें इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, हम इतनी पेशेंस रख के इतना वो जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये एक दो दुख आपके दुख भी शेयर करता हूँ। वो दुख ये है कि आप ये जो इतने केस हुए हैं, ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी, तो एडवोकेट की जो फीस भी है, किसी ने 10 लाख तक, किसी ने 5 लाख तक, किसी ने 2 लाख तक, किसी ने 3 लाख तक, किसी ने 7 लाख तक, ये इतनी जो फीस आपकी लगी हुई है उसको पेन मत समझिए। जो ये फीस है, मुझे पता है कि पैसा ऐसे नहीं आता, मुझे ज्यादा पता है शायद आपसे तो, लेकिन मेरे ख्याल से द वेल्थ इज हेल्थ। अगर आप अपनी सेहत, मैं फिर कहता हूं आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, आप आपकी फैमिली, अगर आप हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं तो मच बेटर है। मेरे ख्याल में देखना जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे बीएड के स्टूडेंट आते हैं, उनमें एक पहले दिन ये बात कहता हूँ कि बीएड हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चा बहुत खुश रह के हंस के कर लेगा सारी बीएड, और एक बच्चा रो के करेगा, दोनों की हो जाएगी। तो आपने सोचना है कि सबको सब कुछ मिल जाना है, जो वो जो है ना बैठा ऊपर, वो सब कुछ जो आप चाहते हो वो देता है। नेक्स्ट बर्थ भी कई बार इसीलिए देता है कि आपने ये चाहा था, तो अगर वो सब कुछ देता है, हमने तो ये देखना है हमने राइट चॉइस हमारी क्या है। चलो ये भी राइट चॉइस है, मैं गलत नहीं कह रहा, पर इतना डाउन नहीं जाना है। थैंक यू।